नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर चाखंड और मेरे साथ डॉक्टर डी राज राव जी सर, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। और हमने जो पीछे वाला जो तुम्हारा 39 नंबर एपिसोड था जी, अब हमारा 40 नंबर एपिसोड है केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनोल का सेकंड का पार्ट। तो हम स्टार्ट करें 31 से। जी 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 सर। तो 31 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव कायरल प्राइमरी अल्कोहल एज मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जी जी जी, मतलब रिएक्शन के बाद में सब कायरल सेंटर जनरेट होना चाहिए जी, तब उसमें बहुत बढ़िया सवाल है सर। पूछा गया है कि कायरल प्राइमरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अपने अगर अपन बात करें तो ये अपने को दे रखी है रिएक्शन एचबीओ रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, CH3CH और यहाँ पे CH2CH3 और CH2OH। क्या सर इसमें कायरल मिल रहा है अपने को? जी हाँ, कायरल मिल रहा है। इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। और दूसरी अगर अपन दूसरे ऑप्शन की बात करें तो डाइल्यूट S3PO4 दे रखा है या डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है, तो वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये कौन सा कायरलता खत्म हो जाएगी इसकी, यानी कि CH3 दो बार आ गया, इसका मतलब कायरल नहीं हो सकता। ये अपने क्या दे रखा है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मर्क्यूरिक एसिटेट दे रखा है, यानी कि OMDM रिएक्शन है ये। OMDM रिएक्शन यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होगा। तो अपने यहाँ पे तो क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। तो क्या ये कायरल है? नहीं, एथाइल एथाइल दो सेम ग्रुप हो गए, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सर सवाल, देखिए अंतिम उत्पाद जी। तो अब इसमें हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट पूछा है, तो ये टोसिल क्लोराइड जी, क्या करता है पूर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पहले रिएक्शन करेगा TsCl से, तो ये OTS आ जाएगा और HCl निकल जाएगा जी जी। फिर यहाँ लिविंग ग्रुप पर ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अपोजिट साइड से अटैक कर लेगा जी जी, SN2 रिएक्शन जी 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 जी। अगर अपन बात करें तो टोसाइल क्लोराइड दे रखा है अपने को, क्या होता है सर, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे ये और S डबल बॉन्ड O और H यानी कि Cl दे रखा है, टोसाइल क्लोराइड। अब इसकी इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये H और ये Cl रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो HCl रिमूव हो गया। अब ये इसके साथ अटैच हो गया, अब यहाँ पे Cl नेगेटिव दे रखा है और वो क्या है SN2 रिएक्शन, यानी कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये टोसिलेट बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सी रिएक्शन होगी, SN2, तो यानी कि अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, तो बैक साइड कंप्लीट इन्वर्सन होगा। तो इन्वर्सन होगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा, CH3 इस साइड में और Cl इस साइड में, कौन सा आंसर हो जाएगा सर, सेकंड जी सर, सेकंड करेक्ट जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सर सवाल, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन डी। अब देखिए इसमें उत्प्रेरक की निर्जलीकरण पूछ रहा है जी, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवाना है। और इसमें मैकेनिज्म हो जाएगी E1 जी, E1 रिएक्शन यानी कि E1 में बनेगा कार्बोकैटायन जी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन रेट चेक कर लें जी जी जी। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाइए, लुप्त उठाइए, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे जी। तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस और बेंजीन के साथ कंजुगेशन, और इधर अपन देखेंगे तो यहाँ पर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन, लेकिन इधर कॉन्जुगेशन नहीं है जी। और इधर अपन देखें तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है जी जी, डबल बॉन्ड पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा जी। तो सबसे ज्यादा जो फास्ट होगा वो थर्ड में होगा जी। ये थर्ड वाला क्यों हो गया, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ में भी कॉन्जुगेशन हो रहा है सर, यही कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके साथ में भी कॉन्जुगेशन है, यानी कि कहने का मतलब हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, यानी कि लंबा कॉन्जुगेशन हो गया। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये बेंजीन इसके साथ भी कॉन्जुगेशन और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, बहुत बढ़िया सवाल है सर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ग्रिग्नार्ड रीजन जी, ग्रिग्नार्ड रीजन के प्रति रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। तो इसमें देखिए ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड और ये 5 है, तो स्ट्रेन के अकॉर्डिंग देखिए जी। तो इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 3 मेंबर्ड की होगी जी, फिर 4 फिर 5, यानी कि 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है और 5 मेंबर्ड वाली स्टेबल हो गई। तो गिनार रीसेंट को बनाने के लिए भी अगर अपन चाहे तो इन दोनों का यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ये गिनार रीसेंट के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ABC यही ऑर्डर आ जाएगा सर, ABC ऑर्डर जी सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सर, कंसंट्रेटेड HI और x मोल ऑफ HI कंज्यूम हो रहे फर्स्ट वाली रिएक्शन में। जी, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में हमारे पास HI है, तो ये यहाँ रिएक्शन करेगा, तो एक मोल कंज्यूम हो जाएगा। अब दूसरी बार होगा नहीं क्योंकि रेजोनेंस आएगा इसमें। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक मोल तो ये हो जाएगा, फिर एक मोल और यूज हो जाएगा। जी 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 जी। तो यहाँ दो मोल ये हो जाएंगे, y की वैल्यू 2 हो जाएगी सर। जी। और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जी। तो ओवरऑल पूछना तो 3 हो जाएगा। यानी कि सर ने आपको बताया कि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं, तो ये तो टूट नहीं पाएगा और एक ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक मोल काम में आया। और यहाँ पे इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो एक बार तो इसका मोल काम आया और एक बार यहाँ पे, तो दो बार इसमें और एक इसमें, तो टोटल कितने मोल काम में आ गए? 3 मोल काम में आ गए। जी सर, ये HI की बड़ी फेमस रिएक्शन है सर। जी जी। और एनसीईआरटी में भी 12th में भी बहुत अच्छा इस पर फोकस किए गए और नीट में बराबर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया सवाल है के ऊपर। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी सर, देखिएगा सवाल H2 के साथ अभी की तुलना। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी जी 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 स्ट्रेन के अकॉर्डिंग, तो वही क्वेश्चन हमारे इसी टाइप का क्वेश्चन है। जी, अब यहाँ पे अपने दे रखा है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम अगर एसिडिक मीडियम होता तो ये उल्टी रिएक्शन होती। अब क्यों? क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है तीनों के तीनों में, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी तीनों की बराबर रहेगी, स्ट्रेन तीनों की बराबर है। लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम दे रखा है, तो बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2। और एसिडिक मीडियम पूछता, यहाँ पे H पॉजिटिव और H2O दिया होता तो उल्टी हो जाती। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा रहेगा? ABC का ज्यादा रहेगा। यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा सर? मतलब इसमें OH नेगेटिव में SN2 हो जाएगा सर। जी जी जी। एसिडिक मीडियम हो जाएगा SN1। SN1 रिएक्शन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। हां सर, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिलेगा उसमें। रेट ऑफ रिएक्शन फिर जिसमें क्राउडिंग ज्यादा होगी उसका ज्यादा रहेगा। तो कौन सा आंसर हुआ? सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है सर, अपने को डिफरेंशिएट करना है सर। जी जी जी। दो कंपाउंड दे दिए, 1 मिथोक्सी 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। जी। और एक दे दिया हमको 1 मिथोक्सी 3 मिथाइल सॉरी 4 मिथाइल 3 पेंटेनॉल 1 ऑल। जी। तो हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी एक में तो हमारे पास एल्कीन है। जी। और एक में हमारे पास OH है। जी। मैं चाहूंगा सर कि इसकी अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या दे रखा है अपने को? CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH2, और यहाँ पे अपने क्या लगा दिया? मेथोक्सी। अब 1, 2, 3rd नंबर पे अपने मिथाइल है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? ये लगा दिया अपने CH3, ये 3rd नंबर और ये 4 नंबर। एक तो अपने पास ये हो गया, और दूसरी अगर हम बात करें तो अपने को क्या दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। और कौन से नंबर पे अपने पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और CH3 है, 4 नंबर पे अपने पास CH3 है, और 3rd नंबर पे अपने पास क्या है? E। यही हुआ सर, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH2। अब बताइएगा सर, अब सर इनमें दोनों में डबल बॉन्ड कॉमन है दोनों में, इसका मतलब इससे डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। जी जी। जो एल्कीन की रिएक्शन होगी वो तो दोनों के साथ होगी। अब एक है ग्रुप ईथर और एक है अल्कोहल। जी, तो दोनों में डिफरेंशिएट। जी जी जी। तो यहाँ पर पहला ब्रोमीन। जी, तो ये तो दोनों ही रिएक्शन कर लेंगे। हाँ, डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ Br2 दोनों आ जाएगा। जी जी जी। फिर दे रखा है एल्कालीन पोटेशियम परमंगनेट। जी, तो ये बेरिजेंट वाली रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड कॉन्सैचुरेशन दोनों देंगे, दोनों साथ रिएक्शन करेंगे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टोलेन लीजेंड हमारे पास टर्मिनल एल्काइन या फिर एल्डिहाइड देते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड देते हैं। जी, फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारे पास अब अपने पास दे दिया कि हेक्सेन में सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्शन करेगा सर? अल्कोहल। मोर एसिडिक H होगा वो H2 रिलीज कर देगा, ईथर कर नहीं पाएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया अपना? फोर्थ आंसर। डिफरेंशिएट करना। जी जी। अब ये क्वेश्चन दिखने में से बड़ा जरूर लग रहा है आपको, लेकिन यदि आप थोड़ा स्ट्रक्चर बना करके रीजन में डिफरेंशिएट करोगे तो इजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, देखिएगा सर सवाल। 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में हमको डिफरेंशिएट करना है। जी, तो 1 प्रोपेनॉल का जैसे हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 से, तो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग बनता है एसिड। जी जी जी। 2 डिग्री के अकॉर्डिंग बनता हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। जी जी जी। यानी कीटोन बन जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा 1 डिग्री है और कौन सा 2 डिग्री है। जी सर, क्या दे रखा है अपने को? ये दे रखा है कि बेसिक KMnO4 ऑक्सीडेशन करवाएंगे और फिर फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो क्या इससे सेपरेट कर सकते हैं? अपने को प्रोपेनॉल दे रखा है, प्रोपेनॉल अपने पास ये होता है, और KMnO4 इसको किसमें चेंज कर देगा? प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? O और H। प्रोपेनोइक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा? एसिड में चेंज हो जाएगा। और फिर अपने को क्या दे रखा है 2 प्रोपेनॉल, और 2 प्रोपेनॉल किस में चेंज कर देगा KMnO4 और ये कीटोनों में चेंज कर देंगे। अब फेलिंग सॉल्यूशन ना तो कीटोन देता और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड देता, फॉर्मिक एसिड देता तो वो बन जाता, लेकिन आप दोनों ही नहीं दे सकते। इसका मतलब इस ऑप्शन से अपन इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट। अब यही काम सेम यही करता है, यानी कि KMnO4 K2Cr2O7 Na2Cr2O7 H2Cr4 या फिर CrO3 एसिडिक मीडियम में हीट करने का साइन है। इसका मतलब वो सारे के सारे किसमें 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोनों में चेंज कर देते हैं। तो सेम रिएक्शन इसकी ये होगी। इसका मतलब फेलिंग सॉल्यूशन से इन दोनों को भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं कर पाएगा। फिर देखिए अपने को क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग कॉपर। ये एनसीईआरटी की बहुत ही फेमस रिएक्शन है, यानी कि कॉपर की प्रेजेंस में अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डीहाइड्रोजनेशन। जी 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 जी, किसमें चेंज हो जाता है वो डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि ये तो एल्डिहाइड बनेगा और ये क्या बना कीटोन बना। अब इसमें क्या डालेंगे अपन फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। जी जी जी, ये तो देगा नहीं और ये क्या दे देगा रेड पीपीटी बना देगा। तो इसका मतलब इससे अपन क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। क्या फोर्थ ऑप्शन से कर सकते हैं? ये हमारे पास 3 रिएक्शन होती है। जी जी जी, 1 डिग्री से बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन हो जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन, 3 अल्कोहल का डिफरेंस। जी 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 जी, फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा सर क्या कह रहा है ये ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। जी कंसंट्रेटेड ये तो क्या डिहाइड्रेशन करेगा। जी जी जी, डिहाइड्रेशन करेगा। इसका मतलब प्रोपीन बनेगी दोनों से, प्रोपीन बनेगी और प्रोपीन को अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन की कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो गया सर? थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सर व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है तो पहला सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन जनरली की कीटोन। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात है, ये राइट बात है अपनी, कीटोन दे देगा ये। जी कीटोन देता है। एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री ये भी एथिलीन बनाता है। सही बात बोल रहे हैं, एलिमिनेशन एलिमिनेशन। जी सर, और मेथेनॉल रिएक्ट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव येलो पीपीटी। ये गलत हो गया सर, ये गलत है। मेथेनॉल तो हैलोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं, अल्कोहल में तो केवल एथिल अल्कोहल ही देता है। जी जी जी, अल्कोहलों में केवल कौन से अल्कोहल देंगे CH3CH ये वाला ग्रुप जिसके पास है 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, वो सारे के सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसका मतलब मेथेनॉल नहीं दे सकता। एथेनॉल और मेथेनॉल को सेपरेट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से, क्योंकि मेथेनॉल देता नहीं है और एथेनॉल देता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या करें सर? सेपरेटेड व्हेन सोडियम एडेड टू द अल्कोहल। जी जी जी, अभी थोड़ी देर पहले अपने पीछे वाले सवाल में बात की थी। जी 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 जी, इसका मतलब ये सही है। अब इनकरेक्ट पूछा गया था तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? थर्ड आंसर हो जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। देखिएगा सर अपने इसका आंसर मिला थर्ड। बहुत बढ़िया सवाल है सर, अक्सर पूछा जाता है ऐसा सवाल। पैरा नाइट्रोफिनोल NaHCO3 से उपचारित करने पर मुक्त होने वाली गैस। जी अब देखिए इसमें क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन है। हाँ जी, और एसिड बेस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी जी जी, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना वो वीक एसिड को उसके शॉर्ट से डिस्प्लेस करता है। जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अब आप कंपेयर करो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। जी ये हमारे पास सॉल्ट है। जी और ये हमारे पास दो एसिड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा नाइट्रोफिनोल। जी जी जी, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। जी जी, ऐसे सोडियम बाइकार्बोनिक एसिड से तो हम यहाँ पर CO2 रिलीज हो जाएगी। जी ये इसको निकाल देगा और जो CO2 आएगी ना वो इसी से आएगी। जी जी जी, क्योंकि ये NaHCO3 से CO2 रिलीज निकली और ऐसा मतलब सल्फोनिक एसिड से बनेगा सल्फोनेट सॉल्ट, सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा। और ऐसे पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये भी CO2 निकालेगा। देखिए हम दोनों का प्रोडक्ट CO2 ही होगा सर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर ने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो अपने को सोल्ट दे रखा है इससे अगर ये किसका सोल्ट है ये कार्बोनिक एसिड का है, यानी कि H2CO3 का। जी सर राइट, इसका सोल्ट है ये, इससे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो सारे के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 रिलीज करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से क्या कर देता है रिप्लेस कर देता है। ये बहुत बढ़िया बात सर ने बताई। सल्फोनिक एसिड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और पैरा नाइट्रोफिनोल भी कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों इसके साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड और होता, पिक्रिक एसिड और होता, तो वो भी इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब वो भी CO2 रिलीज करेगा। पिक्रिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है। जी जी जी, पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि यहां से CO2 रिलीज होगी, दोनों में ही CO2 यहीं से रिलीज होगी। अगर कई बार एक सवाल भी पूछा गया था नीट में कि यहाँ स्टार दे रखा था, तारा जी 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 स्टार लगा के इंडिकेट कर देता है। जी जी जी, तो इसका मतलब दोनों की दोनों CO2 कहाँ से रिलीज होगी, इसी से रिलीज होगी। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड, जो कार्बोनिक एसिड होता है ना जी, वो होता है अनस्टेबल जी, क्योंकि इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपका रहता है जी, तो इसमें क्या बन जाता है H2 जी। वही वाली बात कि एक कार्बन पर दो वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि OH नहीं घटा सकते, एक कार्बन पर दो OH नहीं घटा सकते, इसलिए वाटर रिलीज हो जाता है और CO2 रिलीज हो जाती है। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। देखिएगा सर, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, रिएक्शन में अपने को पूछना A जी। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या एल्कीन है जी, और एल्कीन का HBr पेरोक्साइड होगा जी। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है सर, इसके ऊपर पेरोक्साइड लागू होगा क्या? इफेक्ट लगेगा। हाँ जी, कि सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है, क्योंकि आप कितनी जोड़ दो क्या जी, एक जैसी है ना। फिर हम यहाँ पर एक तरफ H जोड़ दिया, तरफ Br जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। अब H को KOH लेंगे, जब Br रिप्लेस हो गया वहां क्या लेंगे OH जी। और फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन हो रही बेंजीन के साथ जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन हो गई जी फ्रीडलक्राफ्ट जी, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम बात करें तो देखिएगा सर, अपने को ये दे रखा है यानी कि एल्कीन, अब इसके पास HBr का आपने एडिशन करवाया, एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड या प्रोक्साइड एक ही बात है, क्यों सिमेट्रिकल एल्कीन पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, Br आ गया। फिर अपने क्या दे रखा है एक्वस KOH NaOH, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा OH। अब एसिडिक मीडियम अपने को दे रखा है बेंजीन के साथ, तो एसिडिक मीडियम अपने को पता है सर क्या देगा, OH रिलीज कर देगा यानी कि H2 हो गया। और क्या मिला अपने को इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन, जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बने उसमें पॉसिबल है तो रीडेंसमेंट करवाइए। अब इसमें जरूरत नहीं है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री है और रीडेंसमेंट से भी 2 डिग्री मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बेंजीन रिंग के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन मिल गया जी सर, यही मिला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास दो तीन सब मैकेनिज्म हो गए जी 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 जी। एक तो ये HBr पेरोक्साइड हो गई जी, ये हो गया फ्री रेडिकल एडिशन जी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गई। और उसके बाद हमारे पास NSR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, राइट NSR हो गया जी जी जी। और उसके बाद एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, फ्रीडलक्राफ्ट आ गया हमारे पास, फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलेशन हो गई जी जी जी। इसमें मतलब 3-4 रिएक्शनों का कॉम्बिनेशन आपको पूछा है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जी, तो ये हमारा जो आएगा आंसर सेकंड। बहुत बढ़िया सवाल था साहब, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट रिएक्शन, करेक्ट रिएक्शन सही अभिक्रिया की बात हो रही है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सर ये स्टीरियो कंसीडर होगी जी जी जी, और सिस एडिशन, सिस एडिशन जी। तो इसमें सिन एडिशन होगा और सिस एल्किन बन जाएगी, सिस एल्किन बनेगी यानी बेंजो कंपाउंड मिलेगा, बेंजो कंपाउंड मिलेगा। तो अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास ये दोनों ट्रांस बना दिया, ट्रांस बना दिया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। आगे बढ़िए, फिर हमारे पास एल्कलाइन KMnO4 और OH दे दिया, ये तो सर बेयर एजेंट है, बेयर एजेंट में सिन होता है, सिन एडिशन होता है, ये भी गलत हमारा, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब ये सही है सर, ये सही है, ये एंटी बना रखा था और ये सिस बना दिया, इसका मतलब बेंजो कंपाउंड ये राइट है यानी कि सिस एल्कीन 8 कार्बन से कम साइक्लोएल्कीन ड्यू टू डबल बॉन्ड GI शो नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये तो सिस थी, सिस ही रहेगी, ऐसी रहेगी ठीक है। तो ये सिस है यानी कि सिस एल्कीन, सिस एडिशन दैट इज मीजो, मीजो कंपाउंड मिला, तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या दे रखा है सर, ये बनेगा हाफ ऑटो H2, पहले इपॉक्साइड बनेगा और फिर इपॉक्साइड का H2 अटैक होगा जी जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांस एंटी एडिशन होगा, मतलब इसकी जगह पर अपने ये भी ले सकते हैं सर, कोई भी पैरासिड भी ले सकते हैं जी, उससे भी इपॉक्सिलेशन ही होता है। अब इसके साथ में हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो एंटी एडिशन यानी कि इसका ये प्रोडक्ट आएगा जी सर। अब पूछा था सही, सही कौन सा है, अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, बहुत ही प्यारा सा सवाल, आइडेंटिफाई एंड प्रोडक्ट ABC ऑफ द फॉलोइंग जी 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 जी। लास्ट प्रोडक्ट पूछा था जी, तो देखिए फर्स्ट वाले में हमारे पास D+ अटैक कर रहा है जी, तो D+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल जी, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके फिर H2 अटैक कर देगा जी। तो हमारे पास देखो D तो आएगा यहाँ पर और यहाँ आएगा OH जी, तो ये हमारा D यहाँ रहा है, OH यहाँ रहा है जी। फिर हमारे पास अगले में देखिए H यहाँ टेक करेगा, देखिए हमेशा H जो है अब इस पर इस तरह से टेक करेगा जी। और फिर यहाँ आएगा OD जी, तो ये हमारा सेकंड जी जी जी। इसके बाद में हमारे पास D, फिर वापस देखिए ये इस पर टेक करेगा और फिर यहाँ OD आएगा जी जी जी। तो हमारे पास देखिए OH D जी और OD और H आ गया। ये प्रोपीन दे रखा है सर, प्रोपीन, प्रोपीन में यहाँ लिख देता हूँ सर, आप बताइएगा। बस ये दे रखा है और फिर इसके साथ में H2O, फिर H पॉजिटिव दे रखा है और यहाँ पे क्या दे दिया अपने को D2O, और यहाँ पे क्या दे रखा है D, और यहाँ पे क्या आ गया D2O। अब बताइए सर। तो ये हमारा तो ये हमारा हो गया, देखिए ये इस पर सर जी, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का मैंने यानी कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, इधर जाएगी तो इसके ऊपर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा तो डी यहाँ जाएगा। तो पहले ऑप्शन में डी यहाँ आएगा और OH यहाँ आएगा जी सर, यही वाली बात हुई। फिर उसमें यहाँ तो डी था और यहाँ क्या दे दिया H पॉजिटिव, तो पहले यहाँ H आएगा और फिर इधर क्या दे दिया D2O, तो इधर OD आएगा, यही वाली बात बताई सर ने। यहाँ पे अगर पर बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा D और यहाँ पे भी क्या आएगा OD, ये सर ने आपको बताया। तो बहुत बढ़िया सेकंड बेटर जी 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 जी, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, देखिएगा सर बहुत ही प्यारा सा सवाल, CH3C Na लिक्विड अमोनिया जी। तो पहले तो हमारे पास क्या होगा हाइड्रोजन रिलीज जी जी जी। तो सबसे पहले हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड ये बन जाएगा, हमारे पास एनाइन बन जाएगा सोडियम का जी जी जी, और सोडियम एनाइन बनते फिर ये CH3Br पर अटैक कर लेगा, ये हो जाएगा सर। क्या मिल गया अपने को 2 ब्यूटाइन जी, ये हाँ ये न्यूक्लियर फाइल बन गया आपका, न्यूक्लियर फाइल बन गया जी। और अब ये CH3Br के साथ रिएक्शन करवाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, कर लेगा इसके ऊपर जी। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा हमारे पास CH3C, ये 2 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो गया, 2 ब्यूटाइन बन गया जी। और 2 ब्यूटाइन बाद फिर लिंडलार कैटलिस्ट आ जाएगा जी, लिंडलार कैटलिस्ट करवा दी यानी PdBaSO4 PdCaCO3 की प्रेजेंस में करवा दें, या P2 कैटलिस्ट निकल बोराइड, ये सीन एडिशन करते हैं सारे के सारे, ये हो गया LIC जी, हमने पहले भी इसमें से डिस्कस किया था जी जी जी। और ये फिर कोल्ड cis alkene cis addition दैट इज मिजो कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये मिजो कंपाउंड है जी 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 जी, मिजो मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको H2PdBaSO4 दे रखा हो, H2PdCaCO3 दे रखा हो, P2 कैटालिस्ट दे रखा हो, PdC दे रखा हो, या फिर आपको निकल बोराइड दे रखा हो, ये सारे के सारे सीस एडिशन करते हैं। अब इनको सर मैं एक चीज और भी बताऊंगा जी जी जी, जरूर बताइए। जैसे आप है ना, एक तो इसमें सीधा ट्रिक ये याद रख लो जी कि बेटा एक तो होता है कार जी और एक होता है कैट। वाओ, सर ने कार और कार के साथ कैट चलाओ जी 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 जी। और एक है टैन जी 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 जी, और एक है टेई। बहुत बढ़िया, आप देखो आपका स्टीरियो पूरा कंप्लीट हो जी जी जी। आप सिस में एंटी एडिशन जैसे मिक्सर जी जी जी, और सिस में एंटी एडिशन थ्रीओ जी 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 जी, और ट्रांस में एंटी एडिशन मिजो जी जी जी, और ट्रांस में एंटी एडिशन इरिथ्रो जी जी जी। तो ये अक्सर बच्चों को ये नहीं पता कि एरिथ्रो क्या है और थ्रीओ क्या है। थ्रीओ जो है अपने बताते हैं कि सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, और एक है सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। तो सेम ग्रुप जैसे हम कहेंगे अपोजिट साइड होंगे जी जी जी, तो वो तो हो जाएगा थ्रीओ जी, और सेम अपोजिट साइड होगी इरिथ्रो जी। यानी कि कहने का मतलब सर का हो गया कि एरिथ्रो उसको बोलेंगे, एरिथ्रो पंजाबी में एक वर्ड है इक्को पासे, यानी कि दोनों के दोनों ग्रुप एक ही साइड में हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एरिथ्रो बोलेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने CL कुछ भी लगा दिया XYZ, यानी कि CH3HH CH3, इसको तो अपन क्या बोलेंगे एरिथ्रो। सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड में है, एक ही साइड में इक्को पासे हैं तो क्या बोल देंगे एरिथ्रो। और दूसरा क्या हो जाएगा थ्रीओ, थ्रीओ किसको बोलेंगे जब अपोजिट में हो जाएगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे थ्रीओ बोल देंगे जी सर, यही बताया आपने। बहुत बढ़िया, ये आपने और ये ट्रिक याद रहेगी। दूसरे स्टेप के जो क्वेश्चन आते हैं ना स्टीरियो में, डायरेक्ट आपको बना के देखने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे क्योंकि लैंग्वेज भी ऐसे ही पूछ रहा है कि रेस मिक्सचर बनेगा, मिजो बनेगा, उसी हिसाब से। बहुत बढ़िया ट्रिक बताई सर ने आपको। नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर कौन सा हो गया सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा सर बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है आपको। देखिए एल्किन दे दी और एल्किन से हम एल्कोहल बना रहे हैं जी, ABC पूछा गया, ABC पूछ रहा है जी। तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के अटैक कर रहा है जी, और वो होगा एसिड कैटलाइजेशन जी। और उसके बाद में हमारे पास विदाउट रीअरेंजमेंट और 2 डिग्री पर अटैक करवा रहा है जी, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है सर जी 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 जी। और ये हमारे पास क्या है 1 ऑल बन रहा है जी, तो ये हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन में होता है जी जी जी। तो अभी हमारे इसी हिसाब से आप आइडेंटिफाई करें। तो ये फर्स्ट में बोल रहा है ये सही है जी, सेकंड में ऑक्सी मर्क्यूरेशन भी मर्क्यूरेशन ये भी ठीक बोल रहा है जी जी जी, और थर्ड में बोल रहा है बोरेशन एचबीओ हाइड्रोबोरन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसी सीक्वेंस में हमारे पास ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है जी। सर ने बताया कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा यानी कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्यों? क्योंकि एसिडिक में H पॉजिटिव आएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिला, फिर रीरेंजमेंट होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिला और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाटर का एडिशन हो जाएगा OH आ जाएगा। तो सही बात यानी कि यहाँ पे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो गया। फिर सर ने बताया आपको कि बी बी में क्या दे रखा है जहां पे है एक साइड में एच और एक साइड में ओ एच, तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग H2O का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब बिना किसी विदाउट यानी कि कह सकते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट के, ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें तो ये सीधा डायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो कौन सा आंसर हो गया सर अपना 1, 2, 3 सारा के सारे आ जाएंगे जी सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दे रखा है अपने को देखिएगा सर, बहुत बढ़िया सवाल सर दे रखा है HBr हीटिंग A पूछ रहा है। तो देखिए अब ये H+ जो है ना ये ब्लीडिंग ग्रुप कौन सा हटेगा, ये OH वाला हटेगा जी, नीचे वाला ये वाला हटेगा नहीं कॉन्जुगेशन में जी, तो ये नीचे वाला ओएच को हटाना क्या होगा इजी हो जाएगा जी, जी, जी। तो यहाँ से ओएच हट जाएगा और बीआर आ जाएगा जी। अब यहाँ बात करें अपन जी, तो इसमें हमारे पास ये एच CH3 हटेगा यहाँ जी जी जी, तो यहाँ ओएच आ जाएगा जी और ये हटेगा ही जी, तो दोनों ही ओएच रह जाएंगे जी जी जी। तो इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये हो गया कि HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH जा नहीं सकता क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत इसको हिला नहीं सकती। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सिंगल बॉन्ड में किसी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी सर SN1 होगी, और इसकी कौन सी रिएक्शन होगी SN2, इसमें SN2 होगी जी 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 जी। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अपने को ROR ईथर में भी SN1 SN2 होती है, अगर अपने RR' एक बंदा कोई भी 3 डिग्री हो या फिर बेंजाइलिक ग्रुप रखता हो तो कौन सी रिएक्शन होगी SN1, कौन सी रिएक्शन होगी SN1। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा यानी कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, अदरवाइज कौन सी रिएक्शन होगी SN2। और एल्कोहलों में अगर अपन बात करें तो बीटा अनब्रांचड 1 डिग्री एल्कोहल है, बीटा अनब्रांचड 1 डिग्री एल्कोहल है तो वो HX के साथ में कौन सी रिएक्शन करेगा SN2 रिएक्शन करेगा, अदरवाइज कौन सी रिएक्शन होगी SN2। मतलब लेस क्राउडेड में होगा SN2 जी, बहुत क्राउडेड होते हमारे पास हो जाएगा SN1 हो जाएगा जी जी जी। बहुत प्यारी सी बात है, और 2 डिग्री में दोनों पॉसिबिलिटी होगी जी जी जी, 2 डिग्री में कोई उसकी कंसंट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे Br आ जाएगा, और वही वाली कंडीशन ये है कि ये ऑक्सीजन इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है और ये ऑक्सीजन इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो ये वाला CH3 भाग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ सर अपना सेकंड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा सर ऑक्सी मर्क्यूरेशन और रिडक्शन जी जी जी, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन है डी मर्क्यूरेशन जी जी जी। तो इसमें हमारे पास HGO अटैक कर लेगा पहले तो साइक्लिक जी जी ब्रिज कार्बोकैटायन बनता है, फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता नहीं है जी जी, और ट्रांस अटैक होता है जी जी जी, यानी कि एंटी एडिशन हुआ एंटी एडिशन हुआ, तो एक तरफ हमारा डी आ जाएगा एक तरफ OD आ जाएगा जी, और दोनों HH और OD OH दोनों अपोजिट में रहेंगे या सेम साइड में रहेंगे, अपोजिट में रहेंगे। सर ने बताया कि एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा यानी कि साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है OAC। तो अब यहाँ पे OH एंटी से अटैक करेगा, ये वाली बात बताई सर ने, बहुत बढ़िया। तो OH और D दोनों क्या रहेंगे अपोजिट में रहेंगे, तो कौन से में है सर OH और OD इसी में ही है। अब ये दोनों देखो इसमें सेम साइड आ गए सर, नहीं नहीं सर वो तो एक चेंज ही कर दिया उसने, एक पोजीशन ही चेंज कर दी, ये आइसोमर ही चेंज हो गया जी जी जी, कहीं जाना कहीं था और पहुंचा दिया कहीं, यहां देख लो जी जी जी, ये सीस एडिशन करवा दी और इसमें स्टीरियो कंसीडर ही नहीं की जी जी जी, उसमें H D और नहीं दिखाया सेकंड। चलो कौन सा आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है सर, सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है जी जी। पहले हमारे को हीट दे दिया जी, अब ये हमारे पास पोजीशन होगी अल्फा बीटा, बीटा की तो एसिड है जी, बीटा कीटो एसिड में पहले CO2 निकल जाएगी यहाँ से जी जी, तो पहले यहाँ आ जाएगा CH3 जी। अब उसके बाद में हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया जी जी, हेलोफॉर्म से यहाँ अब ये जो कार्बन दे रखा है ना इसी से बनेगा आपका आइडोफॉर्म जी CH3 जी, और उसके बाद में हमारे पास सोल्ट आ जाएगा जी जी जी। तो इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए ऑप्शन, यानी कि अल्फा बीटा सर ने कहा कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ओनली हीट करने पर CO2 चली जाएगी, तो ये अपने पास बन जाएगा PHC डबल बोन O और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये स्टार right. जी सर, ये स्टार जो है अपने को ई में एक दो तीनों में मिल रहा है, तीनों मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़े तो क्या दे रखा है I2 आयोडोफॉर्म टेस्ट करवा दो। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे बेसिक मीडियम में तो क्या हो जाएगा, यही होगा सर। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा CHI3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, और नेक्स्ट अपन बढ़े तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास PHC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये मिला सर जी। अब यहाँ पे आयोडोफॉर्म के ऊपर यहाँ ये नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शन सर दोनों सेम है तो दोनों आंसर आएंगे जी सर। हाँ दोनों ठीक है। अगर एक को अगर चेंज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं यहां से ये हटा लीजिएगा या फिर यहां लगा दीजिएगा, कुछ अलग कर दीजिएगा जी सर। तो इसका मतलब अपना आंसर तीसरा और चौथा दोनों आएंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम दे रखे हैं अपने को जी सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, बहुत बढ़िया सवाल। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है जी, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है जी जी जी। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लो, मॉलिक्यूलर वेट देख लो, मॉलिक्यूलर वेट सेम है जी, तो ब्रांचिंग चेक कर लो, और या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ एल्कोहल का पूछा ज्यादा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसका बीपी ज्यादा होगा राइट जी। तो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दे रखा है जी। तो एल्कोहलों में सर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। देखो इंटर होती है जी क्योंकि एल्को देखो इंट्रा का मतलब विद इन वन मॉलिक्यूल जी जी, और इंटर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जी जी जी। जैसे हमारे पास ये होता है जी ROH जी। अब ये हमारे पास आ गया एल्कोहल, दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा इसके साथ में जाकर के, फिर देखिए ये H आ गया जी, फिर हमारे पास O आ गया, फिर R आ गया जी। तो देखिए दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन आ गया, दो अधिक विद्युत ऋणियों के बीच में अगर एक हाइड्रोजन आ जाए, एक तरफ वह कोवेलेंट बॉन्ड से और दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, ये जो देखे ना जी, तो ये अट्रैक्शन है जी जी जी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव है जी जी जी, और यहाँ पर फिर हमारे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जी। तो ये हाइड्रोजन दोनों साइड से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है तो डाइपोल, डाइपोल का एक स्पेसिफिक टाइप जी जी, उसमें इसमें हाइड्रोजन आ गया, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया बात बताई सर ने। तो यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच में होने वाली बॉन्डिंग क्या है, इंटर ठीक है। और इंट्रा एक ही परिवार के परमाणुओं के बीच, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जी जी जी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के परमाणुओं के मध्य होने वाली बॉन्डिंग, यही हुआ सर। हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या है आपका इंट्रा और ये है इंटर ठीक है। तो जिसमें इंटर होगी उसकी में बीपीएमपी ज्यादा रहेंगे, बीपी ज्यादा रहेंगे जी जी जी। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, हो गया दूसरा हमारा इंट्रा बोल रहा है तो इंट्रा तो होगी नहीं, ये कह रहा है एब्सेंस यानी कि नहीं है, तो इसका मतलब एल्कोहलों में तो होती है। फिर ये क्या कह रहा है सर, प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर, ये तो गलत हो गया क्योंकि इंटर है इसमें, तो ये अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, बहुत ही प्यारा सवाल था ये बीपी का। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है सर C3H7OH कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब देखिए सर ये हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनती है जी, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और फिर एल्कीन पर फिर Br2 का एडिशन जी जी जी, एंटी एडिशन जी, और फिर वापस एक्सिस एल्कोहलिक KOH दे दिया, ये तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा सर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और दो बार होगा तो एल्काइन बन जाएगा जी। सर ने बताया कि C3H7OH दे रखा है यानी कि अपने कुछ भी बना सकते हो, CS2 CS2OH। अब यहाँ लगाओ एक ही बात है सर, क्यों, क्योंकि अपने H2 कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या काम करेगा, एल्कीन बनाएगा, ये प्रोपीन बनेगी। अब Br2 का एडिशन करवा दो, एंटी एडिशन होगा, दोनों साइड में क्या आ जाएंगे Br आ जाएंगे, यही हुआ सर। फिर अपने एल्कोहलिक KOH किसका काम कर देगी, एलिमिनेशन कर देगी, और यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब एल्काइन बन जाएगा, यही आंसर हुआ सर, थर्ड करेक्ट जी जी, टर्मिनल एल्काइन बन जाएगा जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये दे रखा है सर, देखिए बहुत ही टेस्ट किस एल्कोहल द्वारा रंग प्रदर्शित किया जाता है जी, तो लाल रेड कलर शो करेगा सर। विक्टर में यार होता क्या है सर, पहले तो ये बताइए बच्चों को, ये बता देते, और एक ये इसका ट्रिक भी बच्चों को बताया होता है, आरबीसी होता है जी जी जी, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल जी जी जी, लाल रक्त कणिकाएं होती है जी 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 जी, तो इससे बच्चों को बायोलॉजी में तो याद जी 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 जी, तो रेड ब्लू और व्हाइट जी जी। तो इसमें विक्टर में टेस्ट में क्या करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है जी जी जी, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं HI से जी जी जी, तो रेड बन जाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल अगर अपने को दे रखा है अल्कोहल किसकी रिएक्शन करवा दी अपने फास्फोरस प्लस I2 के साथ करवा दी, तो अपने क्या मिल गया RCH2 और यहाँ पे I आ गया। अब इसकी रिएक्शन सर किसके साथ करवाते हैं? इसके बाद में हम करवाते हैं HNO AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ अपने बात कर चुके हैं कि ये भाई बहन का रिश्ता प्रदर्शित करेगा, अपनी बहन को ले जाएगा घर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और NO2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड से, ठीक है। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2 नाइट्रोलिक एसिड। अब इसमें क्या डाल देते हैं? भेस, यानी कि NaOH। बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, कुछ हुआ और क्या बन गया? ये बन गया सोडियम नाइट्रोलेट इसके पास। और ये कौन से कलर का होता है सर? ये रेड कलर, ये है रेड कलर का। इसका मतलब 1 डिग्री बनाया आपने। ये कौन सा कलर आया? रेड कलर। ये जो टेस्ट है ना सर, जी 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 जी, एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर रहा है, जी जी जी, साथ में एल्किल हैलाइड को भी कर रहा है, जी साथ में नाइट्रो ग्रुप को भी कर रहा है। बहुत बढ़िया बात बता दी, तीनों का डिफरेंशिएट टेस्ट। जी जी जी, तो 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देगा, 2 डिग्री होता तो सर क्या होता? ब्लू सूडो नाइट्रोल बनेगा। जी जी जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर ये O और ये दोनों H नहीं जाते, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास एक ही H होता है, सूडो नाइट्रोल। जी जी जी, और 3 डिग्री जो आगे रिएक्शन नहीं कर पाए, रिएक्शन नहीं कर पाए, वो व्हाइट बोल दो या कलरलेस बोल दो, कलरलेस बोल दो, इसलिए RBC नाम से। जी 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 जी, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है सर। देखिए फिनोल की रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म, जी सैलिसिल एल्डिहाइड राइबोटिनोन होगी सर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बात बता दी सर ने कि फिनोल की क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलता है अपने को? सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? राइबोटिनोन रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन कौन सी होती है सर? सेंडमेयर होती है वो CuCl वाली। जी जी जी, यानी कि अगर अपने सीधी डायरेक्ट बात करें कि एनिलीन की रिएक्शन पहले नाइट्रेशन करवा, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो डाइएजोटाइजेशन, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। उसके बाद में उसकी CuCl HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे या Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। तो वो सेंडमेयर रिएक्शन होगी। गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड में आपके पास बेंजीन के साथ CO और HCl के साथ। जी 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 जी, यानी कि अपने क्या करवा देते हैं? ये है इसकी रिएक्शन, अपन SCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं और साथ में SCl और ZnCl2 ले लो, AlCl3 ले लो। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, अपने को क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया सर। फॉर्मेशन एक गटरमैन कोच भी होती है सर, गटरमैन कोच उसमें CO का इस्तेमाल किया जाता है। गटरमैन कोच में यहाँ पे SCN की जगह पर क्या आ जाएगा? CO आ जाएगा। जी, परकिन रिएक्शन आप लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 4। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा सवाल दे रखा है सर। End product of the following sequence reaction is। जी जी जी, अंतिम उत्पाद पूछा, कहने का मतलब ये हो गया। NBS दे दिया हमको, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो ये क्या करता है सर? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में काम में आता है। अल्फा पे हैलोजन Br लगा देगा, बहुत बढ़िया एलाइलिक पोजीशन होगी एक तरह से। जी जी जी, तो ये एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में यूजफुल होता है, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे ब्रोमीन और क्लोरीनेशन का सब्स्टिट्यूट है। जी जी जी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Br। जी जी जी, ये डबल बॉन्ड आ गया। जी जी जी, यहाँ पे Br आ गया, बहुत इसके बाद में हमारे पास Gr बन जाएगा। MgBr। जी जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है Mg से बन जाएगा Gr। जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इसके बाद में हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Cl है, एसिड एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल जी, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। जी, इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। बहुत बढ़िया बात बता दी सर ने। तो ये हमारे पास आ जाएगा CO। जी 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 जी, कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड, यही। बहुत बढ़िया बात बताइए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को? बहुत प्यारा सा सवाल दे रखा है सर, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्टिविटी। जी 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 जी, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। इसमें OH लीविंग ग्रुप आ रहा है। जी, तो कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। जी, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाइए, लुप्त उठाइए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। जी जी जी, बताएं सर। देखिए ये हमारे पास आ रहा है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री और ये 1, लेकिन इसमें रेजोनेंस आ रहा है। जी, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। जी जी, बेंजाइल सबसे ज्यादा फास्ट रेट इसी की होगी। जी, यानी कि 4th की सबसे ज्यादा होगी। जी सर, फिर हम बात करते हैं 2 डिग्री है जी, ये भी 2 डिग्री है जी, लेकिन हम इन दोनों में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ का लेना है मतलब माइनस आई फैक्टर, यानी कि माइनस वाले कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। थर्ड आएगा हमारा जी, थर्ड आ जाएगा। फिर बताइए इन दोनों में डिस्टेंस चेक कर लेंगे जी, फ्लोरीन की। अब ये फ्लोरीन देखिए यहाँ पर कम डिस्टेंस पर है जी, और ये ज्यादा डिस्टेंस पर, ये कम डिस्टेंस जी जी जी, ये लेस स्टेबल होगा जी जी जी। इसका मतलब सेकंड की ज्यादा होगी और उसके बाद में फर्स्ट किया जाएगी, यही है। तो इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनाइए और उसके बाद में देखिए इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये SN2 के कोडिंग भी कर सकते थे आप, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले सवाल में बताया था बीटा अनब्रांचेड 1 डिग्री एल्कोहल है तो ही उसमें क्या लगेगी, SN2 लगेगी, अदरवाइज सब में SN1 होगी। तो ये 2 डिग्री हो गया, बीटा ब्रांचेड हो गई ना, L5 ब्रांचेड हो गई, ठीक है। यानी तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो एक लाइन याद रखिएगा, बीटा अनब्रांचेड 1 डिग्री एल्कोहल HX के साथ में SN2 रिएक्शन देता है जी सर। तो कौन सा आंसर हो गया सर, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये आंसर हो गया सर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिए सर, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सिंथेसिस जी 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 जी, बताएं सर। तो इसमें हमारे पास आ रहा है CH3 CH3 CH2Cl सर, इसको देखा हुआ ऐसा लग रहा है, ये क्या है, आबला का डाबला, आबला का डाबला जी 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 जी। ये है हमारे पास एल्यूमिनियम का आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जी जी जी, ये हाइड्राइड H नेगेटिव देता है जी जी, और ये पार्शियली मतलब रिएक्शन में यूज होता है जी जी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड पार्शियली यूज जी 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 जी। तो इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है जी जी जी। अब देखो इसका कंप्लीट होता है रेसिड बनता है जी जी जी, तो पार्शियल एल्डिहाइड बनने वाला सही बन रहा है जी जी जी। और दूसरे में डिवाल एच आ गया जी जी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हां उसी का दूसरा नाम जी 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 जी। यहां स्ट्रक्चर आबला का डाबला यही है सर। तो ये इसमें भी वही पार्शियली होगा, पार्शियली आंशिक बनाया आपने, आंशिक अपचयन करता है ये, साइनाइड को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में, और एस्टर को भी किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ देखता तक नहीं है, छूता तक नहीं है, इसका मतलब ये किस में चेंज कर देगा, सही दे रखा है, ये सही दे रखा है एल्डिहाइड में। अब एस्टर का सोडियम बोरोहाइड्राइड कदापि रिडक्शन नहीं करता, एस्टर का नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसको चेंज कर देगा एल्कोहल में, जिसका करवाना था उसका कराया नहीं, जिसका नहीं कराना था उसका कराया, इसका मतलब ये गलत हुआ। तो 1 और 2 आंसर आ जाएगा सर जी सर। इस सोडियम देखिए जैसे इसमें मैं थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जी 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 बताएं सर। हमारे पास एक होता है LAH जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जी, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप आर रिड्यूस्ड बाय दिस जी जी, ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप जी जी। और ये एक सोडियम बोरोहाइड्रेट है जी जी, दिस इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट जी जी। तो ये क्या करता है, हमारे कुछ ही ग्रुप का ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन करता है, जैसे ये एसिड एसिड डेरिवेटिव का नहीं करता है जी, लेकिन ये जो CO ग्रुप इसका कर देगा जी जी। और इसमें भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव में भी जैसे एसिड हैलाइड आते हैं जी जी जी, वो उनकी रेट ज्यादा होती है जी जी, तो उसमें कर उसको कर देगा। तो ये हमारे पास ये सर ने बताया कि ये सबका करता है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, हाँ वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड का एक ही ख्याल रखना है कि अगर सिनेमिक सिस्टम में कर देगा तो बेंजीन के साथ में अगर डबल बॉन्ड अनुनाद में हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो उसका रिडक्शन कर देता है, सिनेमिक में कर सकता है जी जी जी। मतलब मैंने बोला ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप को कर देता है, हां ऑलमोस्ट का मतलब डबल बॉन्ड रिड्यूसिंग एजेंट को छोड़कर इसको यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट जी 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 जी। बहुत बढ़िया प्यारी बात बताई सर ने, इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है सर, बताएं सर इसके बारे में। इसमें तो क्या आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है जी जी जी, और ओवरऑल सारा आपका लगभग जैसे एल्किन की रिएक्शन ऑलमोस्ट लेवल कवर कर लेता है जी जी जी। अब ये O3 जिंक का आ रहा है, ओजोनोलाइसिस आपका आ रहा है जी, तो अब एक रिडक्टिव होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है, तो जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो गया, और रिडक्टिव में प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड बनेंगे जी। तो एल्डिहाइड देखो एसिड एल्डिहाइड और फॉर्म एल्डिहाइड दिख रहा है जी जी जी, इसका मतलब फर्स्ट का डी मैच होगा जी, यानी कि अगर अपने इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो दोनों साइड में वो लगा दो, तो एसिड एल्डिहाइड और फॉर्म एल्डिहाइड। अब देखिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट में ए है आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें डी है, इसमें डी है, इसका मतलब ये तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं जी सर। आगे बताएं। इसके बाद KMnO4 H+ दे रहा है, ये डायरेक्ट एसिड बना देता है जी, एसिड में चेंज कर देगा और इसको CO2 रिलीज कर देगा। बहुत बढ़िया प्यारी सी बात बताई जी, फॉर्मिक एसिड को वापस ऑक्सीडाइज कर देता है ये CO2, फॉर्मिक एसिड का लास्ट प्रोडक्ट कार्बोनिक CO2H जी। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा सेकंड में ए आ जाएगा, सेकंड में देखिए ए जा रहा है, ए आ रहा है बस, और सेकंड में से कोई एक हो सकता है जी सर। आगे बताओ, हमारा फर्स्ट और सेकंड में से देखना है जी। अब हमारा KMnO4 OH आ रहा है जी जी जी, तो ये बे रिएजेंट हो गया, इसमें ओल आएंगे जी जी जी, दोनों ओल बनेंगे, वन ओल जी जी जी, टू ओल यानी कि वन टू डाई ओल जी 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 जी, तो ये ई आ जाएगा, इसमें सी आ गया सर, इसका मतलब ये भी भैंस गई कादे में, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे और मिला सकते हैं, ये क्या कर देंगे, हाइड्रेशन करवा रहा है ये, तो एक साइड में OH और एक साइड में H, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये C आ जाएगा इसका, और ये अपने को क्या दे दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBO रिएक्शन होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब उससे B आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बहुत ही आसान सा था, बस देखना था इसको भी ये क्या पूछ रहा है और अपन क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। देखिए सर, बेंजल्डिहाइड है पूछ रहा है जी 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 जी, तो देखिए सबसे पहले CrO2Cl2 रिटार्ड रिएक्शन। अच्छा, ये रिटार्ड रिएक्शन है सर, रिएक्शन एनसीईआरटी में फेमस रिएक्शन है जी जी जी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जी जी। तो इसमें क्या है, पहले इनिशियली कॉम्प्लेक्स बन जाता है जी, और उसके बाद में वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इसमें एल्डिहाइड में जी, तो इससे सीधा आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा जी जी, इसका मतलब इससे अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं जी। बहुत प्यारी बात है। गाटरमैन कोच रिएक्शन है ये, राइट, कोच याद रखिएगा, कोच में CO आएगा, कोच नाम में आ रहा है एल्डिहाइड, यानी कि गाटरमैन कोच, कोच में CO आएगा ठीक है, और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में आएगा HCN, बस इतना सा ख्याल रखना, खुद का ध्यान रखिएगा। तो ये कोच में CO आएगा, तो ये गलत हो गया, कौन सा सर? सॉरी ये सही दे रखा है सर, सही बना, लेकिन आगे ये जो इसका दे मैंने ये देख लिया, हां ये सही है, थर्ड सही हो गया, सेकंड भी सही है, और थर्ड आपको रोसेनमुंड रिडक्शन दे रखा है, ये भी CHO है जी जी जी, तो इसका मतलब इन तीनों से ही अपन क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है। तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा? फोर्थ, मतलब तीनों सर नेमिंग रिएक्शन होगी जी जी जी, यानी कि ये इटार्ड रिएक्शन है, ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है, और ये रोसेनमुंड रिडक्शन है ठीक है। रोसेनमुंड रिडक्शन बात हो रही है सर, रोसेनमुंड में और लिंडलार कैटलिस्ट जी जी जी, दोनों में रीजेंट सेम ही यूज हो रहे हैं जी जी, सेम ही होते हैं, क्योंकि वो उसमें हमारे पार्शियल रिडक्शन जी जी, और इसमें भी पार्शियली प्रोडक्ट बनाया जी 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 जी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है सर, बताएं सर इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। एक हमारे पास एसिडिक मीडियम आ रहा है जी जी जी, इसमें मतलब है कि इसमें रीअरेंजमेंट होगा जी, और इसमें फिर स्टेबल कार्बन 10 पर अटैक करेगा वाटर जी, तो इसमें तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा जी जी जी, और B2H6 में आपको पता 1 डिग्री 1 बिल्कुल आसान सा सवाल सर ने बता दिया कि इससे तो क्या मिलेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पे OH आ जाएगा। 3 डिग्री मिला, अब रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर होती तो करवाते अपन ठीक है, तो इसका मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और ये अपने को क्या दे रखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा सर? ए में अपने को ये मिलेगा और बी में अपने को वो मिलेगा। अब इसमें कई बार सब बच्चे है ना जी जी जी, जल्दबाजी में ए पूछा है बी पूछा है, या बी पूछा है ए पूछा है, ये आपको दे रखा है बेटा जी, इसको देखो गौर से, बी ये क्या पूछ रहा है। कई बार मैंने देखा है जिन बच्चों को आता हुआ है जी जी, वो गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में हो जाता है सर, करना नहीं चाहते, किसको प्यारे नहीं है नंबर। ऑर्गेनिक में जैसे मान लो जितना इजी पार्ट बनता है जी जी जी, स्कोरिंग भी है ऑर्गेनिक जी जी, लेकिन जैसे मान लो छोटी-छोटी गलतियां कर जाते हैं ना, उससे फिर ये बैड इफेक्ट भी जाता है। वो कहा जाता है सर, लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बेवफा है, रात को पढ़ के सो सुबह सफा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, केमिस्ट्री बहुत प्यारी है, अगर इसके साथ अपन थोड़ी सी वफा निभाएंगे तो ये अपने साथ दुगनी वफा निभाती है, और अगर अपन थोड़े बहुत ही अगर क्या हुए बेवफा हुए तो ये वो हालात कर देती है कि देवदास और पारो बनने के लायक भी नहीं छोड़ती, यानी कि आएगी तो पूरी आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो कौन सा सवाल है? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, बहुत ही प्यारा सा सवाल अपने को दे रखा है सर। देखो जिंक डस्ट, तो ये ZnO से ZN का काम ही होता है कि ऑक्सीजन को ले जाऊं मैं कैसे, तो ये बेंजीन बन जाएगी यहाँ पर जी जी जी, और बेंजीन का हम ओजोनोलाइसिस कर देंगे जी, तो ग्लायोक्सल बनेगा जी। बेंजीन मिली और बेंजीन का आपने क्या करवा दिया, ओजोनोलाइसिस करवा दिया, तो अपने पास क्या मिल गया सर? ये ग्लायोक्सेल मिल गया। बहुत प्यारी बात बता दी सर, ग्लायोक्सेल का फिर रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो सर ये किस में चला जाएगा? CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल मिल जाएगा। इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल अपने ऑप्शन में है क्या? तो नहीं है सर, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ ठीक है। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाएगा? अल्कोहल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल HBr जी जी, हमारे पास यहाँ पर एक तरफ H आ जाएगा, तरफ B आ जाएगा, और उसके बाद एक्वस KOH यानी कि CH3 CH2 और अपने पास ये Br मिला, एक्वस KOH दे रखा है, तो कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्या मिल गया अपने को? CH3 CH2 और OH मिल गया। अब ये क्या दे रखा है सर? ये हमारे पास होगी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा ये हेलोफॉर्म है, ऐसे भी दे सकते हैं NaOH को, ऐसे भी दे सकते। बहुत ही प्यारा सा सवाल, ठीक है। Na2CO3 का सॉल्यूशन जो होता है वो NaOH होता है, यानी कि बेसिक मीडियम हो गया, स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट। जी तो सॉल्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। जी बहुत प्यारी सी बात बताई सर ने कि यहाँ पे I2 के साथ में क्या दे दिया, Na2CO3 का एक सॉल्यूशन दे रखा हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन ही देगा, यानी बेस ही है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, यही मिला, पहले तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ये और फिर ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये हेलोफॉर्म दे देगा, यानी कि Ig3 और प्लस HCO नेगेटिव और Na पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यही मिला सर। तो क्या मिला अपने को, CHI3 आयोडोफॉर्म मिल गई, येलो पीपीटी बन गई, ठीक है। ये वाली बात थी। तो ये अपने सवाल थे, अल्कोहल फिनोल ईथर का सेकंड पार्ट था। ये अपने नेक्स्ट जो अपने टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट। हमने मैक्सिमम इसमें जो अल्कोहल फिनोल ईथर का हमारा जो सेकंड पार्ट आ रहा है और फर्स्ट पार्ट भी हमने पहले कवर किया था, इसमें हमने मोस्टली एनसीईआरटी को बड़ा फोकस किया है और जैसे रिएक्शन भी देखी होगी आपने, ज्यादातर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने ली है, कुछ अच्छे लेवल की भी आई है, लेकिन हमने एनसीईआरटी पे फोकस जरूर किया क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आजकल क्या है कि कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी आपको। और काफी देखो सर ने भी आपको कुछ चीजें ट्रिक बताई है, मैंने भी कुछ ट्रिक बताई है, ऐसे करके हमने दोनों ने मिलके आपको बहुत बढ़िया काम किया सर, आपने कोशिश करी है। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अपना बचाव रखें, पढ़ते रहें, बस बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। जय CLC, जय CLC। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।